ठीक है भाई, पहले ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ से। पहला राउंड तो इसका हो गया, ये रोड बिल्कुल खाली रहती है, इस वजह से हम इसी रोड पर करना है, पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। भाई इसका पिकअप मेरी वाली पेट्रोल से बढ़िया है, ये तो ऐसा, इसमें टायर स्टॉक डले हुए हैं, तो वो नीली वाली स्विफ्ट है वो 13 सेकंड में पहुंची 100 की स्पीड, ये मुझे लग रहा है कम में पहुंच गई। एक ट्राई करेंगे अपने यहाँ से, ठीक है भाई दूसरा ट्राई करते हैं यहीं से। अस्सी पहुंचने वाली है, 80 पहुंच गई। भाई अपने दो ट्राई तो हो गए, भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो भाई इसमें ABS तो आता नहीं है, तो इस वजह से इसमें भगाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये ओल्ड मॉडल स्विफ्ट है, ये 16 मॉडल स्विफ्ट है भाई, और ये चल गई है 74,153। वैसा कंडीशन इंजन वाइज बढ़िया हो रही है। चलो भाई अब यू टर्न कर लेते हैं, अब तो ट्राई करेंगे। भाई देख लो आप, कोई नहीं है बिल्कुल रोड पे, ये हमारे कैमरामैन त्यागी जी के साथ ये पीछे बैठे हैं आराम से। भाई इसके बाद हमारे पास स्विफ्ट है, भाई के पास डीजल, उसका भी 0-100 करेंगे, के बस i20 है एस्ट ऑप्शन, उसका 0-100 टेस्ट करेंगे। पर मुझे तो ये ज्यादा फास्ट लग रही है। तो भाई तीसरा राउंड करते हैं अपन ट्राई। ये भाई 80, पेट्रोल में स्मूथ बहुत चलती है, 74,000 चल गई है, अब इसमें कोई कमी नहीं, देखो दिक्कत थोड़ी आई इसमें अभी। भाई इसका फुल ओनरशिप रिव्यू करेंगे जब ये अपनी 75 साल उम्र पूरी कर लेगी, 75,000। भाई अब तो ऑप्शन ही ना है डीजल का, अब तो पेट्रोल लेनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी सिर्फ। पर पेट्रोल में भी ऐसा बेकार ना भाई, 20 का एवरेज है, मैंने वीडियो बनाई पहले, उसमें मैंने 1 लीटर का माइलेज देखा था, वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन में, उसे देख सकते हैं। उससे पहले मैंने बनाई थी कि जब पेट्रोल का रिजर्व लगता है तो उसमें कितने किलोमीटर चल जाती है, 2018 से बाद का मॉडल जो आया था। भाई इसमें अपन ने 3 राउंड कर लिए, भाई अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। इसमें कुछ रिव्यूज़ भी डालेंगे अपन, बाकी 0-100 टेस्ट हो गया, माइलेज टेस्ट हो गया, और जिस गाड़ी का आपको देखना हो स्पेशल तो उसका कमेंट में नीचे बताना कि कौन सी गाड़ी का आपको देखना है।